आप ही का है क्या? आप ही का इंतजार कर रहा था। एक्स्ट्रा हो जाएगा तो इस साइड ही ज़्यादा दर्द दे रहा है। चलिए खाना भी खा लेता हूँ साथ में, ठीक है? हॉस्पिटल वाला सामान। तो भाई अभी नाश्ता कर लेता हूँ, तो अभी कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी पार्सल बांटने की। मेरा सर तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फिलहाल मैं जा रहा हूँ ऑफिस और आज का दिन देखता हूँ क्या होता है और कैसा जाता है मेरा, ठीक है? तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आज ना मेरा रात भर से मेरा बहुत ही ज़्यादा सर दर्द कर रहा है और मेरे को ना आज काम पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, ठीक है? लेकिन फिर भी ऑफिस से कॉल आ गया, बोल रहा है कि आ जाओ, क्योंकि राजकुमार नहीं आने वाला है आज भी और मेरे को जाना पड़ रहा है। अगर वो आ जाता ना तो आज मेरे को जाना नहीं पड़ता, तो मेरे को ज़्यादा अच्छा रहता, ठीक है? क्या ही करूँ, मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी लड़का जो है ना अगर नहीं आएगा तो उसका पूरा पार्सल बांटना पड़ेगा, और राजकुमार को बहुत दिनों से आ नहीं रहा है, तो उसका एरिया का भी पार्सल अगर मैं नहीं गया तो कोई और लड़का बांट नहीं पाएगा। इसी कारण से मेरे को जाना पड़ रहा है, और थोड़ा सा टाइम भी हो गया है, 7 बज गया, हालांकि 6 बजे निकलते हैं, तो 7 बज गया। मैं सोचा कि शायद वो आ जाएगा, देखते हैं क्या होता है, ठीक है? तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक आज के ब्लॉग पर बने रहेगा, क्योंकि मेरा सर जो है ना बहुत ही ज़्यादा पेन कर रहा है, ठीक है? और मैं मेडिसिन अभी तक लिया नहीं, क्योंकि सुबह सुबह टाइम है तो कहाँ से मेडिसिन लूँगा, है कि नहीं? सुबह तो 10 बजे के बाद ही सब मेडिकल वगैरह खुलता है, ठीक है? अगर वीडियो अगर पसंद आएगी तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कर ही दीजिएगा। चलिए चलता हूँ ऑफिस और देखता हूँ आज की कहानी मेरी क्या होती है और कितना सारा पार्सल मिलता है, ठीक है? चलिए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपना बाइक जो है ना तैयार कर चुका हूँ, अभी भी कुछ आज पार्सल उसको लेके आता हूँ, ठीक है? उसके बाद फिर तैयारी करता हूँ, फिर निकलता हूँ पार्सल बांटने के लिए। चलिए दोस्तों, भाई लोग सबको निकल रहा है, मैं भी निकलता हूँ, ठीक है? और आज का जो मौसम जो है ना बहुत ही ठंडक वाला है, ठीक है? अभी तक सूरज देवता निकले नहीं है, तो मैं भी निकलता हूँ पार्सल बांटने के लिए, क्योंकि आज भी 2 एरिया मिला है और बहुत सारा पार्सल है, तो कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी बांट के आने की, क्योंकि मेरा ऐसे ही ऊपर से सर दर्द दे ही रहा है, ठीक है? कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके बांट के, फिर मैं घर जाऊँगा, थोड़ा सा आराम की ज़रूरत है। चलिए चलते हैं, आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा, ठीक है? चलिए चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी कॉलोनी से आज भी शुरुआत कर रहा हूँ, क्योंकि इस कॉलोनी का हमेशा एक ना एक पार्सल रहता है, ठीक है? तो भैया का पार्सल देके आ जाता हूँ, हालांकि OTP वाला है, देखता हूँ डिलीवर कर पाऊँगा या नहीं, क्योंकि भैया अगर सो रहे हैं तो OTP तो मिलना मुश्किल है। एक बार कॉल करके देख लूँगा कि भैया OTP दे दीजिए, ताकि मैं पहला पार्सल जो है डिलीवर कर पाऊँ। हालाँकि भैया कैमरा से देख लेंगे, मेरे को OTP इसी में से बता देंगे। एक बार कॉल कर लेता हूँ, ठीक है? चलिए दोस्तों, डिलीवर हो चुका है, भैया कॉल रिसीव कर लिए थे, ठीक है? अब कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी पार्सल बांटने की, क्योंकि इस कॉलोनी का बस एक ही पार्सल था, ठीक है? चलिए चलते हैं, देखता हूँ मेडिकल दुकान कब तक खुल जाए, फिर मेरे को दवाई भी लेना है। बड़ा बड़ा पार्सल इसको डिलीवर करता हूँ, और एक पार्सल जो है ना ऑफिस में छोड़ के आया हूँ, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा हो गया था, तो उसको लाने नहीं बन रहा था। चलो भाई वाला थोड़ा वजन है, इसी को दे के आता हूँ अभी, ठीक है? चलिए चलते हैं। चलिए दोस्तों, ये वाला थोड़ा ओजन पार्सल था, तो सोचा कि इसको देते हुए चला जाता हूँ, ठीक है? थोड़ा भारी ओजन पार्सल है। गेट खुला है कि नहीं? हाँ भाई खुला हुआ है, ताला बंद रहता तो भारी दिक्कत हो जाता। फिर क्या सामान है पता नहीं, काफ़ी ओजन है। इसी घर का है, दादी जी मंगवाती है हमेशा पार्सल। चलिए इस पार्सल को दे देता हूँ, क्या है अंदर यार इतना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ का पार्सल दे चुका हूँ, अभी कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी पार्सल बांटने की। मेरा सर बहुत दर्द दे रहा है, ठीक है? बांट के फिर मैं मेडिकल भी जाऊँगा, दवाई वगैरह लूँगा, या फिर देखता हूँ, तब तक अगर ठीक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी धूप भी निकल चुका है, ठीक है? ठंडी की वजह से हुआ है, मेरे को जहाँ तक लग रहा है, पता है? ठंडी ना बहुत ही ज़्यादा, सुबह सुबह निकलता हूँ काम पे तो ठंडी बहुत ज़्यादा लगता है सर में, वही ठंडी गुस्सा है मेरे को, इसी कारण से शायद सर दर्द दे रहा है मेरे को जहाँ तक लग रहा है। चलिए दोस्तों, आगे का पार्सल झोला का जितना है उसको क्लियर करूँगा, फिर पीछे का जो बैग का है उसको ख़त्म करूँगा, ठीक है? तो आप लोग बने रहिएगा, प्लीज़ बने रहिएगा लास्ट तक, कंटिन्यू। भैया पार्सल था, थोड़ा आइए ना बाहर, आपका डॉगी छूट गया है। हाँ जल्दी आइए, जल्दी आइए, मैं तो डर ही गया था। ओए ओए ओए, पकड़िए पकड़िए,
गजब, फिर तो इसी का खाना होगा ना। मैं तो डर ही गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए डॉगी छूट गया है। चलिए दोस्तों, इस घर का भी पार्सल दे दिया हूँ। हालांकि मैडम जो है ना वो नहीं है घर पे, तो सामने वाले जो रूम है उसी में छोड़ दिया हूँ। और उस घर में गया था ना तो डॉगी अचानक से देख के ना मेरे को डर ही लग गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अभी अगला स्टॉप पे, देखते हैं कितना टाइम लगता है। हल्का 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 धूप निकल चुका है अभी। चलिए दोस्तों, यहाँ पे एक पार्सल लेके आया था और ये मेडिकल जो है ना अभी तक खुला नहीं है, जो दवाई लूँगा। ठीक है, इसको देख के आ जाता हूँ। पार्सल काफ़ी ज़्यादा दर्द दे रहा है यार सर, बहुत ही ज़्यादा। तो फिलहाल दोस्तों नाश्ता वगैरह कर लिया था और आ गया था इस साइंस कॉलेज में एक पार्सल लेके। ठीक है, मैडम का पार्सल है, तो मैडम के पास कॉल किया तो मैडम बोली कि अभी आने में थोड़ा सा 10 मिनट लग सकता है, तो आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। मैं बोला ठीक है, कर ही लेता हूँ, उसके अलावा क्या कर सकता हूँ। ठीक है, मैडम आ जाएगी तो ये वाला पार्सल आप ही का है क्या? आप ही का इंतज़ार कर रहा था। चलिए बात करते करते मतलब मैडम भी आ गई, मज़ा ही आ गया कैसे। हालांकि 10 मिनट हो गया था इंतज़ार करते करते, 10 मिनट बोली तो 10 मिनट के अंदर ही आ गई। चलिए आगे चलते हैं, अभी झोला का जितना पार्सल है उसको क्लियर करूँगा। ठीक है, फिलहाल दोस्तों इस घर का पार्सल लेके आया था, 3 पार्सल है, तीनों पार्सल जो है ना प्रीपेड है। ठीक है, इसके अंदर है मोबाइल, अब देखता हूँ इसका अनबॉक्सिंग करके दूंगा। ठीक है, देखता हूँ क्या बोलते हैं। हाँ, OTP चाहिए, OTP लेने गए हैं, OTP मिल जाएगा तो इसको डिलीवर कर दूंगा। ठीक है, तो अभी इसका अनबॉक्सिंग करेंगे, कहीं पर भी टेप वगैरह लगा हुआ नहीं है और कहीं पर भी फटा हुआ नहीं है। ठीक है, मोबाइल को थोड़ा ऐसा करके पकड़िएगा। आ रहे हैं पूरा मेरे फेस में। चार्जर वगैरह सब इसके अंदर है, इसके अंदर बिल है ना। हाँ, बैटरी मोबाइल के अंदर ही लगा हुआ रहता है। ठीक, चलिए दोस्तों पूरा पार्सल ख़त्म कर चुका हूँ, लास्ट पार्सल बचा हुआ है। तो अभी कस्टमर कॉल किया था, बोला कि यहीं पे खड़े रहिएगा पेट्रोल पंप के पास, आ रहा हूँ लेने के लिए, देखता हूँ कितने देर तक आ जाते हैं। ये वाला पार्सल दे दूँगा तो आज का मेरा पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मेडिकल भी खुल चुका है, पहले जाऊँगा ऑफिस, पैसा वगैरह जमा करूँगा, अगर ऑफिस में अगर मिल जाएगा मेडिसिन तो वहीं से खा लूँगा। ठीक है, मेरा ना सर दर्द कर ही रहा है, एक साइड में ज़्यादा ही दर्द दे रहा है, इस साइड में थोड़ा ज़्यादा ही कर रहा है। अब देखता हूँ कस्टमर कितने देर तक आ जाते हैं भाई। चलिए दोस्तों, इस पार्सल को वापस ले आना पड़ा। ठीक है, कस्टमर बोल रहा है कि मैं ऑफिस से ले जाऊँगा, इसलिए काफ़ी देर तक इंतज़ार किया, नहीं आया, फिर कॉल बैक किया तो बोलने के भैया ऑफिस में छोड़ दीजिएगा, ऑफिस से ही ले जाऊँगा। हाँ चलो ठीक है, लास्ट पार्सल ऑफिस में छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जाता हूँ, पैसा वैसा जमा करता हूँ, मेडिसिन देखता हूँ, अगर होगा तो खा लूँगा। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर अगर मेडिसिन मिल गया तो दुकान में जाके लेना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये रहा हम लोग का ऑफिस का मेडिसिन, सर दर्द वाला। राहुल राहुल थोड़ा सा पानी लेके आना भाई, सर सर दर्द वाला मिल जाएगा दवाई इसमें, मेरे पास का दीजिए। तो एक खा ही लेता हूँ, और ये बर्तन हो गया, जो भी पूरा सेट, ये बर्तन पूरा सेट डेस्क रखने के लिए खाने पूरा बर्तन है इसमें, एक गोली दे दीजिए, एक्स्ट्रा हो जाएगा। फिर भयंकर सर दुख रहा मेरा, चलिए सर दे दिए हैं मेरे को, सर दे दिए हैं, सर दर्द का गोली। गजब हो गया ना,
सर दिए हैं सर दर्द का गोली, खा लेता हूँ ताकि इस साइड ना ज़्यादा दर्द दे रहा, सुबह तो पूरा सर दर्द दे रहा था, अभी सिर्फ इस साइड दे रहा दर्द, और सा अच्छा लगेगा खाने के बाद। अकेला अकेला कैसे खाऊँगा, मैं घर में जब भी बीमार होता हूँ ना, जब भी गोली वगैरह खाता हूँ ठीक है, उसके साथ मेरे को सब्जी या चॉकलेट या फिर बिस्किट कुछ भी चाहिए रहता है, लेकिन यहाँ पे आया हूँ कुछ नहीं है। कोई ऐसा लगता है ना कि गले में फंसा हुआ है करके। चलिए देखता हूँ कितने देर तक ठीक हो जाता है। अरे रहा हम लोग का हॉस्पिटल वाला सामान, इसको रख देता हूँ यहीं पे। ये लीजिए गोली। तो चलिए दोस्तों आज का काम ख़त्म हो चुका है, चलते हैं सीधा घर। दवाई भी खा लिया हूँ थोड़ा बहुत, तो अभी आराम मिल जाएगा, दर्द से राहत ठीक है। देखता हूँ कल क्या होता है। बहुत ही ज़्यादा दर्द रहा, बहुत ज़्यादा पता है। अरे हाँ यार, मैं तो कुछ खाया नहीं, खाया नाश्ता किया था, मैं तो जब बिना नाश्ता किए मतलब मैं गोली खा लिया हूँ, चक्कर करना मार खा लिया, अभी याद आया। चलिए चलते हैं घर सीधा, अब देखता हूँ कितने दिन तक चलता है। तो भाई फिलहाल मैं घर आ गया था और हाथ पर धो लिया हूँ ठीक है, नहाऊंगा नहीं क्योंकि ठंडी लग रहा है, आज नहीं नहाऊंगा। और ये रहा मेरा रेसिपी तालेर पिठाने के, चलिए मकर संक्रांति में बना था मेरे घर में, इसको मैं आज खाता हूँ ठीक है। मीठा वाला रहता है चावल का, दूध से बनता है, अच्छा लगता है खाने में मस्त। बहुत ही ज़बरदस्त दूध और चावल से बना हुआ रहता है, खाली भाजा बताइए इसके ना डालें तो चलिए खाना भी खा लेता हूँ साथ में ठीक है। तो भाई मेरा सर दर्द ना कर ही रहा है ठीक है, तो ये रहा हिम गंगा सर दर्द को ठीक करने वाला ठीक है, इसको थोड़ा सा लगा लेता हूँ तब थोड़ा सा आराम मिल सकता है। इस साइड में ना दर्द दे ही रहा है सुबह से, कल से मतलब शाम से दर्द दे रहा और अभी भी दर्द कर ही रहा है, थोड़ा सा इसको लगा लेता हूँ साथ, फिर आराम मिलेगा ठीक है। सर दर्द खतरनाक दर्द होता है बताया, अंदर से ना एकदम बहुत ही ज़्यादा दर्द देता है, लगा लेता हूँ इसको, इस साइड ही ज़्यादा दर्द दे रहा है। और आज नहाया भी नहीं हूँ पता है, इतना ज़्यादा दर्द दे रहा था ना कि आके ना घर में सो गया था फिर खाना वाना खा के। तो भाई अभी देख ही सकते हैं शाम हो चुका है और काफ़ी देर तक सोया आज पता है, क्या ही बताऊँ यार। रो रही मम्मी पापा जा रहे हैं अभी टहलने के लिए। तो दोस्तों आज के वीडियो का एंडिंग यहीं पे करता हूँ, आज के वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर ही दीजिएगा ठीक है। और हाँ दोस्तों जो भी मेरे चैनल पे नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का प्यार और सपोर्ट के बिना मैं कुछ कर नहीं सकता, आप लोग का कमेंट पढ़ता हूँ तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ठीक है। मिलते हैं कल एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, बाय।